ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो का सेकंड पार्ट है और आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो आपने देखा होगा सेकंड पार्ट आते आते ड्रेस भी चेंज हो गया, उसका रीज़न है क्यों मैं थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बीच में पेंडिंग रखना पड़ा और 2 वीक अपना ऑफ ही चला। क्योंकि क्या हुआ, तबीयत ख़राब इसलिए हुई जिस दिन वीडियो बनाने वाले थे उस दिन मेरे को लगा कि आज मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, और उस दिन हुआ भी वही, जैसे तैसे करके मैंने जोर जबरदस्ती के साथ बोला कि आज ही बनाएंगे वीडियो। तो मैंने ऐसा कोशिश किया तो 10 क्वेश्चन तक सही चला। उसके बाद क्या हुआ, 11, 12, 13, 14 आते आते तबीयत डाउन होता चला गया और 16, 17 में बिल्कुल ही डाउन हो गया। जब मैं 18th क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आधा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अब तो वीडियो बंद ही करना पड़ेगा, चक्कर आगे गिर जाऊँगा नहीं तो इसलिए वीडियो बंद करना पड़ा। इससे हमें क्या सीखने को मिला, मुझे तो ये सीखने को मिला कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो अब एक काम करना, कभी नेगेटिव नहीं सोचना, कभी ये सोचना ही नहीं कि वीडियो नहीं बनेगा, कभी ये सोचना ही कि आज मैं क्लास अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, ये सोचना ही नहीं है। और आपको भी कभी ये नहीं सोचना मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। तो आप भी हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें, अच्छा ही होगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। और जो ये लॉस हुआ है हमारा 2 वीक का, हम इसको जल्दी से ही जल्दी अगस्त में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही है और तो धीरे धीरे हम भी अपना जितना पीछे छूटा था वीडियो पेंडिंग हुआ वो सारी कवर कर लेंगे। और आपने पेशेंस दिखाया, आपने वेट किया मेरा, उसके लिए थैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। ए वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 400 से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स एट 298 केल्विन इज 2% आयोनाइज्ड इन इट्स 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब क्या क्या दे रखा है, मैं इस पॉइंट में क्या क्या दिया उसने वो लिख देता हूँ। इसने एक तो दे रखा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। कभी कभी ये यूनिट्स डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब उसने बोला लिमिटिंग कंडक्टेंस, उसके लिए हम या तो यहाँ पे नोट लगा देते हैं, 0 लिख देते हैं ऊपर, या इसको इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख लें। चाहे आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोले, या आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोले, या अगर नोट जो लिखते हैं ना हम, ये इसका मतलब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट 0 कंसेंट्रेशन, 0 कंसेंट्रेशन बोलो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि क्या होता है, कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दिया, यानी कंसंट्रेशन नियर अबाउट 0 आ गई। तो चाहे इसके ऊपर नोट लगाए चाहे इनफाइनाइट लगाए, बात एक ही है, चाहे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल दे, ठीक है। तो इसकी टेंशन अपने को नहीं लेना है। और इसने और क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, अल्फा 2% यानी अल्फा इज इक्वल टू 0.02 हो गया अपना, ठीक। और आपको दे रखा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी दे रखा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। Then find resistance of this solution in an electrolytic cell of cell constant 0.4 centimeter inverse at this temperature. Temperature जो दिया गया 298 Kelvin उसी पे resistance find out करना है और cell constant दे रखा है, ये होता है आपका G star, L by A बोलते हैं इसको, ठीक है, equal to 0.4 centimeter inverse. L ये होता कैसे cell constant, मान लीजिए हमने ये एक electrolytic solution बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड प्लेट रखी ये, और ये इनको कनेक्ट कर दिया, ऐसे अपना ये सेल बनता है। इनके बीच में जो लेंथ होगी L, वो ले गए ये L, ठीक है। और ये जो एरिया है A, ये एरिया प्लेट का एरिया, दिस इज एरिया ऑफ प्लेट L बाई A, और L बाई A को कहते हैं सेल कॉन्सेंट। मीन्स ये इस टाइप से एक कंडक्टर बन गया, ये समझो आप, ये अगर इसको मिला दें तो ये कंडक्टर बन गया, सॉलिड कंडक्टर इसकी तरह का, ये इसकी लेंथ L और ये इसका एरिया A, इस टाइप से, समझ आ रही ना बात। और इसका सेल कॉन्स्टेंट क्या हुआ, L बाई A, ये अपना सेल बनता है, सेल कॉन्स्टेंट बनता है, ठीक। अब अपने को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हमने सारी चीजें लिख ली, तो अब देखो क्या लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला था कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, और कनेक्टिविटी जो होती है आपकी कनेक्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, 1/R इंटू एल अपॉन ए, या इसको जी लिख सकते हैं, है ना, 1000 बाई एन। अपने को R फाइंड आउट करना है, ये दिया गया है, नॉर्मलिटी भी दिया गया है, ये अपने पास नहीं है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 नॉर्मल पे, ठीक। तो ये अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, ये हम रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू होती है
अल्फा ई वैल्यू आएगी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग कंडक्टेंस। ये अल्फा अपने पास 0.02 और ये है, ये फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 400। इसको सी लिखो या ना लिखो वो बात एक ही है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको, मीन्स एट कंसंट्रेशन सी की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी आ जाएगा आपका 8। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/R, L की वैल्यू कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई N कितना है 0.1 नॉर्मल, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 ये 2 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1000/2 इक्वल टू 500 ओम आ गया आपका, ये रेजिस्टेंस आ गया ऑप्शन 4th। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल आपने पहले भी बनाया था मैंने पीछे क्वेश्चंस में, वो आपको पता ही है, ये बनता है अपना डेनियल सेल ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रो हम ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड ले लेंगे, और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेंगे, है ना, और यहाँ से जिंक से क्या होता है, जिंक क्या करता है Zn2+ में जाएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पे दो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और यहाँ पे एनोड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा Cu2+ आयंस, जब इनको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे, अपने कैथोड पे आएंगे, और ये अपना Cu2+ उन दो इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे कॉपर में कन्वर्ट होता रहेगा, कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा, यहाँ से जिंक का डिके हो रहा है इलेक्ट्रोड से, और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड में। ठीक है, अब देखो ये सेल है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और इधर होगा करंट का फ्लो, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, है ना, तो पहला पढ़ो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहे हैं, जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, ये बोल रहा है कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेंगे, इसने रॉन्ग बोला, स्टेटमेंट ए हो गया रॉन्ग। बी पढ़ते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, अब करंट हमारा कॉपर से जिंक जा रहा है, ये बोल रहा है कि जिंक से कॉपर आ रहा है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, कैटायंस मूव टुवर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड, बिल्कुल सही बात है, ये कैथोड है जो कॉपर के आयंस है, कैटायंस जो है वो किस पे मूव करते हैं, कैथोड पे, और कैथोड क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, सी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। डी और पढ़ देता हूं एक बार, कैटायंस मूव टुवर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इस तरफ मूव नहीं करते। ठीक है, तो डी भी रॉन्ग हो गया, तो 19th का आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन करना अपने को, 19 तो कर लिया ना, अब 20, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ, चार ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये लिखने पड़ेंगे मेरे को। पहला ए दे रखा है, अगर प्रेशर ऑफ H2 गैस 1 atm है, और मैं ऐसा करता हूं यहां पे एक काम करते हैं, थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, ये pH प्रेशर लिखूंगा यहां पे, और यहां पे एक कॉलम बना लेता हूं जिसमें H+ की कंसंट्रेशन लिखता चलूंगा, और यहां प्रेशर atm में लिखूंगा, एटमोस्फेरिक में लिखूंगा atm, और यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर में, ऑप्शन ए, ए में क्या देखा है 1 atm और ये 2 molar, बी में क्या देखा है BCD 1 1 2 1 2 2। अब ये करना है, देखो क्या होता है, जब H+ आयंस क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, ये एक्वस होता है, ये एक्वस और ये H2 में जाएगा, ऐसे ये बनता अपना सेल। अब देख भी लो कैसे बनता है, उसकी जरूरत नहीं, वो आपने उसमें देखा होगा, नोट्स में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना, मैं सीधा आपको ई सेल बता देता हूं, ई सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई नोट सेल, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, ई नोट सेल -0.0591/2 लॉग भाई प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा जाता है, और यहां पर प्रोडक्ट क्या है हमारा, H2 गैस है, H2 गैस है तो उसका प्रेशर लिखा जाएगा गैस का, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रेशर दिया गया होगा, ठीक, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H+, और इसके आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 करते हैं, ये फॉर्मूला आता है, ये सारे डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स से पढ़ लेना, आज थोड़ा सा ज़्यादा मैं डेरिवेशन नहीं बता सकता आपको, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लेना इस वीडियो के, इसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर के
एनसीईआरटी पढ़ लो और अपने पीडीएफ नोट से पढ़ लो, क्योंकि मैं ज़्यादा डेरिवेशन बताऊंगा तो वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, थोड़ी सी तबीयत अभी भी डाउन है। तो ई सेल क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन का जीरो होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा ई सेल फाइंड आउट करने के लिए, 0.0591 अपॉन 2 लॉग पी एच 2 अपॉन एच प्लस का कंसेंट्रेशन टू दी पावर 2। अपना काम यहां से हो जाएगा, ठीक, ये मेन फॉर्मूला है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखो ई सेल अपने को फाइंड आउट करना है, यहां पे पहला ऑप्शन का रख के देखो, प्रेशर 1 पुट करो और नेगेटिव पूछ रहा ना किसमें आएगा, ठीक है नेगेटिव, पहला ऑप्शन का चेक करता हूं, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर कितना दिया 1 और कंसंट्रेशन 2 टू द पावर 2, यानी कितना आ गया 1/4, 1/4 यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कुछ कितनी आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब जब भी लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 जीरो होता है, लॉग 1 से ग्रेटर दिया गया है, यहां पे अगर 1 से ग्रेटर है, यहां पे x है मान लीजिए और x इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। इफ x इज लेस देन 1 है तो हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन में तो आ गया पॉजिटिव। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन चेक कर लो ई सेल, इसमें क्या है 0.0591 प्रेशर दिया 1, तो प्रेशर 1 पुट किया, कंसंट्रेशन भी दी गई है 1 और लॉग 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा ना लॉग 1 ये 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो पहले दो ऑप्शन में तो किसी में भी नेगेटिव नहीं आया, उसने पूछा कि नेगेटिव किस में आएगा, तो नेक्स्ट चेक करते हैं, तो नेक्स्ट में चेक करना है तो सीधा थर्ड पे आ जाओ, ई सेल इज इक्वल टू क्या करना अपने को, -0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर दिया 2 डिवाइड बाई 1/2, तो यह आ गया लॉग 2 और लॉग 2 की वैल्यू आपको पता 0.0591 ये पॉजिटिव आएगी, यानी कितनी आती 0.3, तो ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ की चेक करेंगे तो फोर्थ का भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे नेगेटिव पूछा था, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक छोटी सी चीज और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इस फॉर्मूले से आगे इधर बता देता हूँ थोड़ी सी, वो नोट्स में भी दी गई है। देखो अगर यहाँ पे प्रेशर पीएच 2 है, अगर वो दे दिया जाए पीएच 2 इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक, ये दे दिया अपने को, ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रेशर 1 अपॉन एच प्लस की पावर 2। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, 0.0591 अपॉन 2 और लॉग एच प्लस 2 दी पावर -2 हो जाएगा। और आपको पता जो भी पावर में होता है, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं लॉग ए की पावर एन, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एन लॉग ए कर सकता हूं, तो ये -2 है, ये आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, -2 मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 से 2 कैंसिल, यानी 0.0591 लॉग एच प्लस आ जाएगा डायरेक्ट। अब नई चीज क्या होती है, देखो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग माइनस लॉग एच प्लस को क्या लिख सकते हो आप, पीएच लिख सकते हो, और ये अगर लॉग एच प्लस की बात करें इसको हम माइनस पीएच लिख सकते हैं, तो मैं इसको इस वैल्यू क्या लिख सकता हूं, -0.0591 इंटू पीएच। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ये डेरिवेशन है, ये आप कभी भी कर लेंगे, लेकिन मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा, ये फॉर्मूले बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इनको डायरेक्ट रट लेते हैं, इसको रट लेंगे प्रेशर जब 1 atm, क्यों रट रहे हो, एक ही फॉर्मूला याद करना है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस डायरेक्ट रट लेंगे। अरे रट लेंगे रटने के लिए आपको आपके बायो कम है क्या, केमिस्ट्री को भी रटोगे, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है कि ये भी फॉर्मूला रट रहे हैं, ये भी एक दो और बना लिया, ऐसा नहीं, बस ओनली ये फॉर्मूला याद रखेंगे सिंपल। और इसका भी मैंने बताया, जो पढ़ते हैं ना नर्नस्ट इक्वेशन से, भाई प्रोडक्ट ये होता है ई नोट सेल -0.0591 अपॉन यहाँ पे एन आता है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है इनटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर सॉलिड है तो उसको काउंट नहीं करते, गैस है तो गैस का प्रेशर ले लेंगे और एक्वस है तो उसकी कंसंट्रेशन ले लेंगे, बस सिंपल है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, 20th हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा इस बार। नोट्स में सारे डेरिवेशन दिए गए हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जरूर प्रैक्टिस कर लें एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आपका आ गया 21।
The 21st same ही आ गया. The hydrogen electrode is dipped in a solution of pH equal to 3. pH इतनी है, hydrogen electrode की बात कर रहा है. The potential of the cell would be, potential of cell क्या होगा ये पूछ रहा आपसे. तो अब अभी मैंने आपको बताया E cell hydrogen electrode के लिए हम क्या करते हैं, 2H plus 2 electron लेके किस में जाएगा, H2 gas में जाएगा, है ना, ये aqueous होता है. और हम क्या कर देते हैं इसको, E note cell माइनस 0.05 अपॉन एन लिखते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है. अब इन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है इसलिए उसका प्रेशर लिया जाता है, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, एच प्लस, और उसका स्टोइकोमेट्री 2 है तो उसकी पावर 2 आ जाएगा, ऐसे होता है. फिर मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया, बस यही ध्यान रखना आपको. अभी ये हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड 0 होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, ई सेल आपका सीधा सीधा आ जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2. अब वो बोल रहा है डिप्ड इन एट 25 डिग्री सेल्सियस, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच इक्वल टू 3 एट 25 डिग्री सेल्सियस, द पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी. अब इस क्वेश्चन में उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उसने प्रेशर नहीं दिया. जब प्रेशर नहीं दिया हो अपने आप हम उसको 1 कंसीडर कर लेंगे, और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, लॉग एच प्लस की पावर 2. डायरेक्ट मैंने एक स्टेप कैंसिल कर दिया आपका, ये लिखूंगा इसको 1 अपॉन एच प्लस की पावर 2, क्योंकि प्रेशर मैंने 1 मान लिया, और ये ऊपर चला जाएगा एच प्लस की पावर माइनस 2. अभी डेरिवेशन बताया भी था, माइनस 2 आगे आ जाएगा, माइनस 2 जब आगे आके मल्टीप्लाई होगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 ये बचा 0.0591 लॉग एच प्लस. और आपको पता है माइनस ऑफ लॉग एच क्या होता है, पीएच, यानी लॉग ऑफ एच प्लस क्या होगा, माइनस पीएच, माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाई पीएच, ये आ जाएगा आपका आंसर. तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीएच कितना है, 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 3 39 27 और 35 17 जीरो पॉइंट, और ये माइनस 0.11177 वोल्ट. ये आंसर आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, 21 के बाद अब 22 करना है. मैंने आपको दो बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया है, है ना. तो एट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए नॉर्मल सॉल्यूशन KCl इज, इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी K दे रखा, K K दे रखा आपको 0.02765. द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इतना, रेजिस्टेंस दे रखा 400 ओम, ठीक है. सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट बताना आपको, जी स्टार बताना है. इसका मेथड क्या है, हम क्या लिखते हैं, के इज इक्वल टू 1/R (L/A) और ये होता है आपका सेल कांस्टेंट, के इक्वल टू 1/R (G*). तो देखो आपको के दे रखा है 0.02765 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दे रखा है, और जी स्टार फाइंड आउट करना, जी स्टार इज इक्वल टू 0.02765 मल्टीप्लाई बाई 400 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यह आएगा आपका 4 5 20 और 4 6 24 और 26, 4 7 28 और 2 30, 4 2 8 11 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इंटू 0 0, दो जीरो भी लगाएंगे तो 11.06 आ जाएगा, 11.06 नहीं आ रहा, मैंने कहीं भी मिस्टेक कर दी, इसमें आ रहा 1.106. वो कैलकुलेशन आप देख लेंगे, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1.06 आएगा, ठीक है ना. तो ये आप चेक कर लोगे. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd में क्या करना है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द रिडक्शन हाफ सेल आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में रेगुलर आते हैं, ठीक है. तो इसने क्या कर रखा है, पहले तो ZN का दे रखा है, जिंक का दे रखा है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऐसे करके जिंक एक्वस, चलो जी एक सेकंड पूरा ही लिख देता हूँ, चारों ऑप्शन लिख देता हूँ जल्दी जल्दी. ए ZN2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड में जाएगा, ठीक है. और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल जो लिख रखा है -0.762, ठीक है. बी लिख रखा है आपका क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये एक्वस है सारे,
और ये जाएगा क्रोमियम में, ठीक है, क्रोमियम सॉलिड में, और इसका दरखा -0.740। सी दे रखा आपका 2H+2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, H2 गैस में, और इसका दरखा 0.00 वोल्ट। डी दे रखा आपको Fe3+ आयन एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा, Fe2+ में। तो ये दे दिया आपको 0.770, ये पूछ रहा आप। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, ध्यान से सुनना, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते ना, ऊपर जैसे सब इधर लिखता हूँ, सबसे ऊपर F2 आता है, फिर नीचे ऐसे नीचे चलते रहते हैं हम, बीच में H हाइड्रोजन आता है, फिर नीचे चलते हैं, सबसे लास्ट में लिथियम आता है। लिथियम का हमेशा नेगेटिव रहता है, -3.05 वोल्ट रहता है, और फ्लोरीन का रहता है आपका 2.87, ये रहता है, जो भी वैल्यू से अपने को कोई मतलब नहीं है, और ये हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जब भी आप नीचे आते हैं, देखो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, जिसका रिडक्शन, एक बात ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, इसलिए हमेशा फ्लोरीन किसी के भी साथ आ जाए फ्लोरीन का रिडक्शन होगा, और इसीलिए फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, हमेशा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, इसका रिडक्शन कभी भी नहीं होगा, किसी के साथ भी नहीं होगा, यानी इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस, एंड इट विल कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा याद कर लो, या तो जैसे मैंने बोला, या ऐसा याद कर लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसा भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, इनमें से सबसे कम देख लो किसका है, तो सबसे कम आपको इसका ही दिख रहा ना, जिंक का, तो जिंक विल बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अब 24 की वैल्यूज फिर लिखनी पड़ेगी मेरे को, फिर लिख देते हैं, 24 करते हैं। 24 में दिया गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe2+Fe, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपको -0.44 वोल्ट, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर टिन इज -0.14 वोल्ट। अब ध्यान से सुनना, फॉर द गिवन सेल, सेल दे रखा है Fe2+SN इज कन्वर्टिंग इनटू FeSN2+, फाइंड इन EMF, इसका EMF फाइंड आउट करना आपको, और EMF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ई सेल जब भी, ये ई नोट दे रखे हैं, ये ई नोट दे रखे हैं, तो EMF जब भी हम फाइंड आउट करें, ई नोट सेल फाइंड आउट करेंगे, हम करते हैं कैथोड माइनस एनोड, ये होता नॉर्मली तो, लेकिन अब ध्यान से बात, अब कैथोड माइनस एनोड करते हैं, अब कैथोड किसका बनता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वही कैथोड बनेगा, यानी SN क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड बनेगा, ठीक है। यानी क्या आंसर आएगा, -0.14 -0.44, यह आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.30 वोल्ट, तो ये आंसर आपका रॉन्ग आया, ठीक है, ये आंसर डी, ये आंसर ए आया, जो कि आपका ऑप्शन सही नहीं है। आपको लगा भी होगा सर ने एक क्वेश्चन रॉन्ग दे दिया है ना, ऑप्शन रॉन्ग दे दिया, एक्चुअल में ये IIT क्वेश्चन है, लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज में भी मैंने दिया था, इस बार भी दिया है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। आपसे उसने ये नहीं पूछा कि कैथोड कौन बनेगा उसका बताओ, एनोड कौन बनेगा, जब नॉर्मली दिया रहता है कि आप सेल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग बताओ, तब करते हैं वो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड बनेगा एंड अनदर विल बी एनोड, ये करते हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा करेंगे, इस केस में तो उसने सेल अपने आप बना के दे दिया, उसने सेल बना दिया, इस सेल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ये यहां पर रॉन्ग हो जाता है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि रिडक्शन किसका है, इसमें रिडक्शन किसका दिखाया है, Fe का, आयरन का, तो
तो हम क्या करेंगे, यहां पे कैथोड जो बनेगा ना आपका, वो किसका बनेगा, आयरन का बनेगा, और आयरन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से हम क्या करेंगे, टिन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, आयरन वाले में से टिन का, क्योंकि आयरन का रिडक्शन हुआ है इसलिए आयरन का कैथोड बनेगा, और टिन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए टिन का क्या बनेगा, एनोड बनेगा, कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। अब देखो माइनस माइनस 0.44 माइनस माइनस 0.14 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 0.3 वोल्ट। अब आंसर आपका सही आया, ये आईआईटी ने पूछा था क्योंकि एग्जामिनर ने खुद ने दिया है, अब उसकी भी गलती है ना ये, उसने सेल उल्टा बनाया है, सेल उल्टा बनाया तो नेगेटिव आ गया पोटेंशियल, समझ आ गई कि नहीं बात, जैसा बना रखा है सेल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, आप सेल को देखकर पढ़ेंगे कि किसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसी को कैथोड मानेंगे, ऐसे काम करना अपने को। तो ये बात मैंने 2-3 बार बोल दी है तो समझ लो, अगर सेल रिएक्शन आपको दे रखी है तो आपको सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। उसने यहां पे रिडक्शन आयरन का कराया है तो हम कैथोड आयरन का ही बनाएंगे, उसने ऑक्सीडेशन टिन का कराया है तो हम एनोड टिन का ही बनाएंगे, समझ आई कि नहीं आई। तो प्लीज आप माइनस आ रहा या प्लस आ रहा उस पे ना जाएं, आप अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करें, ठीक है। चलो जी, ये हो गया 24th के बाद 25th फिर वही दे रखा आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फोर एलिमेंट्स पी क्यू आर एस आर गिवन रिस्पेक्टिवली, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। देखो अभी बताता हूँ 25 कैसे करेंगे, पी क्यू आर और एस दे दिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबका है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, आप हमेशा काम रिडक्शन पोटेंशियल पर ही करें, अगर आपको कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इन नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसके नेगेटिव आगे लगा के काम कर लें। अगर आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें तो दे ही रखा है, कभी नहीं दिया हो तब भी रिडक्शन पोटेंशियल बना के काम करें, क्योंकि हम एक ही लाइन याद करेंगे बस। देखो और क्योंकि जो एनसीईआरटी में अपने को टेबल दे रखी है उसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं सबके, और हम भी यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, 1.20 और ये माइनस 0.76 वोल्ट ये दे रखे हैं आपको। अभी आपने पढ़ा था, मैं तो हमेशा दो ही चीजें याद करता हूं, देखो F2 होता है सबसे ऊपर होता है टेबल में और नीचे सबसे नीचे होता है लिथियम, ठीक है। F2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे E रिडक्शन पोटेंशियल लिखे रहते हैं, अभी मैंने पहले बताया भी था आपको 2.87 और इसका माइनस 3.05, तो जो होता है जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब कौन सी मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है, लिथियम ही तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है, समझ आई। तो अब देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, पी का, तो पी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा यानी पी का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक, तो P की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, P जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, फिर कौन देगा S, फिर इन दोनों में Q और फिर R, ऐसे काम करते हैं, PS QR फोर्थ आंसर आ जाएगा। तो मैं कभी भी ऑप्शन पे नहीं जाता, आपने हमेशा देखा होगा मैं पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करता हूँ फिर ऑप्शन मैच करता हूँ, आपका भी यही प्रोसीजर होना चाहिए। तो 25th का क्या आ गया, डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25th के बाद 26th, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2+ दो रिएक्शन दे रखी है और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, फिर द वैल्यू ऑफ Cu2+ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ E0 Cu कन्वर्टिंग Cu2+ कन्वर्टिंग इनटू Cu, ये पूछ रहा है, इसको फाइंड आउट करना। देखो लिख देता हूं मैं क्या क्या दे रखा है, Cu2+ एक्वस एक इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जा रहा है, Cu+ एक्वस में, ठीक, और दूसरी रिएक्शन जो इस दूसरी रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है आपकी ये वाली Cu सॉलिड, ठीक,
इसका रिडक्शन पोटेंशियल पहले रिएक्शन का दे रखा है 0.15 वोल्ट और इसका आपको दे रखा है 0.50 वोल्ट और ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यानी आपसे क्या पूछा गया है, Cu2 प्लस एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू Cu और कैसे कन्वर्ट होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के होगा, समझ आ रही है। अब इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखो, इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इस Cu प्लस और Cu प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये रिएक्शन आ जाएगी। अब इन रिएक्शन को जब भी ऐड करते हैं तो इनका हम डेल्टा जी लिख लेते हैं, तो डेल्टा जी वन इसका लिखेंगे, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल ई नोट सेल होता है, ऐसा लिखते हैं माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो डेल्टा जी वन इसका कितना आएगा, यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वन इलेक्ट्रॉन है, वन माइनस वन इंटू एफ, एफ की वैल्यू एफ ही रख लो आप, लिखो मत एफ की वैल्यू, ठीक है, और ई नोट की वैल्यू लिख लो, इसके लिए कितने दिए 0.15, ठीक। सिमिलरली डेल्टा जी टू लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है माइनस वन और ये 0.50 दिया गया है, ये हो गया। अब क्योंकि जो डेल्टा जी हम लिखते हैं गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो एडिटिव है नेचर में, तो एडिटिव है, तो अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया है तो इस रिएक्शन के डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू आएगा, और इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी लिखूंगा तो माइनस एन एफ ई सेल लिखूंगा, माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एफ और इंटू में ई नोट सेल, मुझे इसके लिए फाइंड आउट करना है, इक्वल टू कितना, डेल्टा जी वन ऐड करो माइनस वन इंटू एफ इंटू 0.15 प्लस ये माइनस वन इंटू एफ इंटू 0.50 ये आ जाएगा। तो देखो यहां से F कैंसिल हो गया ना सब जगह से, इसलिए रखा था मैंने, F कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस टू, अब माइनस माइनस भी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और E नोट सेल जो बचेगा ये इंटू में 2 इंटू E नोट सेल इक्वल टू 0.15 प्लस 0.50 ये हो जाएगा 0.65 और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा 0.325 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो चेक कर लो, सी ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, और सीधा कुछ भी नहीं रहता, बस तीन रिएक्शन लिखनी आपको, वहां पे रिएक्शन भी नहीं लिखनी, अगर आपका माइंड जल्दी जल्दी काम करता सीधा आप डेल्टा जी वन जी टू की वैल्यू लिखो, क्योंकि वहां पे दिख जाएगा ना अपने को यार इसके लिए फाइंड आउट करना है, इतना लिखोगे तो टाइम होगा। हम मैं तो सीधा सीधा क्या करूंगा, ये करूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, समझ आ रही ना बात, पेपर में तो ऐसे करूंगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा, ये तो जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना वो प्रोसीजर हुआ, इतना थोड़ा लिखेंगे पेपर में, 30 सेकंड में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर देंगे, समझ आ रही कि नहीं आ रही। बस ध्यान ये रहे, ये रिएक्शन ऐड करनी है दोनों या सब्सट्रैक्ट करनी है या 2 से मल्टीप्लाई करके करनी है 3 से मल्टीप्लाई करके करनी है, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट 26th के बाद 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसेस Br2 फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ब्रोमाइड आयन, बोल रहा है कि इनमें से Br- है, Br- को डिस्प्लेस कौन कर देगा Br2 में, ये पूछ रहा है। देखो F2 का सबसे ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल, फिर Cl2 का, फिर Br2 का, फिर I2 का, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना इन चारों में, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन इसका होगा, और सबसे ज्यादा रिडक्शन इसका होगा मतलब ये इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, F2 इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी अगर आप जैसे मान लीजिए F2 की रिएक्शन दे दी जाए आपके साथ Cl- के साथ, तो ये क्या होगा, ये F- में चला जाएगा और Cl2 बन जाएगा, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये रिएक्शन ऐसी नहीं दी मिलती आपको, ऐसी दी मिलेगी KCl, तो यहां पे क्या बन जाएगा, KF बन जाएगा, ऐसे होता है, समझ आ रही बात। अब क्या करेंगे, Cl2 क्या कर सकता है, इन दोनों को कर सकता है, ठीक है भाई, अगर इनका लिखे F2 तो तीनों को, भाई चाहे आप F2 का भी लिख लो, F2 का भाई F2 तीनों को कर सकता है, F2 तो तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता ना, ये हुआ F2 क्या कर सकता है, तीनों को कर सकता है, ये लो ये F2 फ्लोरिन की हो गई, ये आपका आएगा I2, तीनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। Cl2 क्या कर सकता है, Cl2 इन दो को कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, यानी अगर हम रिएक्शन लिखें Cl2 की तो Cl2 ये कर सकता है आपका, अगर KBr के साथ रिएक्शन दे दी जाए ना तो KCl बन जाएगा और Br2, मतलब ये Br- में था या जीरो में चला जाएगा, Br को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद -1 में चला जाएगा जीरो से, ठीक है, Cl2 खुद का रिडक्शन कर देगा, Br ब्रोमिन को ऑक्सीडाइज कर देगा।
और Cl2 Ki के साथ कर दे दो तो क्या बनेगा, KCl और I2, यानी आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर ऐसा लिख दिया जाए Cl2 plus Kf, ये क्या हो रहा है, KCl plus F2, यानी F माइनस वन से जीरो में जा रहा है और Cl जीरो से माइनस वन में जा रहा है, यानी क्लोरीन ने क्या किया, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गया। ये रिएक्शन रॉन्ग है, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ऐसे ही Br2 क्या कर सकता है, ओनली I2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये मैंने पूरा डिटेल हाईलाइट डिस्प्लेसमेंट मेथड बता दिया आपको पूरा, और ये नोट्स में दे रखा है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बना रखे हैं, वहां से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो अब बताओ, अब Br को Br2 में भेजने के लिए कौन कौन भेज सकता है, एक तो Cl2 और एक F2। अब चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा दिया गया, ऑप्शन लिख देता हूं यहां पे दिए गए आपके चार ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका Cl2, दूसरा Cl-, तीसरा I2, चौथा I3-। तो आपको ये दिख रहा है ऑप्शन ए, ये आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28th में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए बी सी आर गिवन, देन देयर रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। फिर बार बार वही बात आ जा रही है, ए बी और सी तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं 0.5 वोल्ट, माइनस 3.0 वोल्ट, माइनस 1.2 वोल्ट। मैंने ये बताया आपको जिसका ये क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे ना, हाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, अभी इसने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, यानी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यानी इनमें सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ए, ए ऑक्सीडाइज करेगा बाकी को, ठीक है। यानी ए की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम होगी, ए की रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, सबसे कम, डिक्रीजिंग लगाना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना है, ए की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी क्योंकि ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और फिर सी की होगी कम, और फिर बी की, यानी बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसा बोल दो, या तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम दैट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात है, तो बी सी ए आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29th, विच ऑफ द व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको, ये आपको देखो कैसे लिख रखा है, PTH2, इसका P1 प्रेशर लिख दिया, H प्लस एक्वस, इसका ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में P2PT। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है, ये इसने H प्लस एक ही लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब उसने क्या बना लिया, कंसंट्रेशन सेल बना लिया, मतलब दोनों ही कंसंट्रेशन सेम रखी है, दोनों इलेक्ट्रोड एक में ही रखे हैं, ठीक। हम नॉर्मली क्या करते हैं, देखो अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, पहले मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको, H2 गैस इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस एक्वस गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये इसका प्रेशर P1 है और इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और दूसरा लिखता आपको 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया, H2 गैस में गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन C2 है इसकी और इसका प्रेशर P2 है, ठीक। तो इसका हुआ रिडक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन जो लिखी जाएगी ना वो आपकी ये लिखी जाएगी, H2 गैस, ये प्रेशर P1 है, प्लस 2H प्लस एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन लिख देता हूँ ब्रैकेट में ना, C2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2H प्लस C1 प्लस H2 और इसका प्रेशर है P2, ये। अब इसका मेरे को अगर ई सेल लिखना ना, ई सेल इसका क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2, क्यों, क्योंकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें, लॉग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, भाई यहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट अगर आपका सॉलिड है तो उसकी कंसंट्रेशन वन मान लेते हैं, उसकी नहीं लिखी जाती, अगर गैसियस है उसका प्रेशर लिखा जाएगा, देखो ये प्रोडक्ट क्या है, गैसियस है तो इसका क्या लिखेंगे, P2 लिख देंगे, ठीक है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी है, C1, और उसका स्टोइकोमेट्री दो है तो पावर 2 डिवाइड बाई वो क्या लिखेंगे, प्रेशर P1 इनटू में कंसंट्रेशन C2 टू द पावर 2, और ये होता है अपना जीरो, और इसको लिखा जाता है ऐसा
ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.05 अपॉन टू लॉग पी टू सी वन का स्क्वायर अपॉन पी वन इंटू सी टू का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कर सकता हूं मैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.591 अपॉन टू लॉग, क्या लिख सकता हूं, देखो पी, इसको लिख रहा हूं मैं पी वन इंटू सी टू, नीचे वाले को ऊपर ले गया और ऊपर वाले को नीचे ले आया, सी वन का स्क्वायर, इसकी पावर माइनस वन लिख सकता हूं, उस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, और इसको ऐसे लिखा तो पावर आगे आ जाएगी, माइनस वन आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बनता अपना। ठीक, ये एग्जैक्ट डेरिवेशन हुआ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल का। ठीक, अब एक चीज देखो, क्योंकि हमें सेल में एच प्लस एक बार ही लिखा गया, इसका मतलब जो उसने सी वन और सी टू है ना, सी वन और सी टू क्या है, इक्वल रखा होगा, सी वन इक्वल टू क्या रखा है, सी टू, तो यहां पे सी वन और सी टू इक्वल कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगी और ई सेल क्या बचेगा आपका, 0.0591 अपॉन टू लॉग पी वन अपॉन पी टू, ये बच जाएगा। अब चेक कर दो ऑप्शन में, अब उसने क्या कर रखा है, ये वैल्यू हम क्या करते थे, इसको ना 0.059 लिखते हैं, जो इसको हम क्या लिखते हैं, RT अपॉन NF लिखते हैं ना, RT अपॉन NF ऐसे लिखते हैं, वैसे ये आपको सबको पता होगा, जब लोग ना देके LN दिया गया हो। ठीक, तो LN P1 अपॉन P2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वो तो हम जब LN के लोग बेस 10 में कन्वर्ट करके 2.303 R की वैल्यू रख देते हैं, टेम्परेचर की 25 केल्विन रख देते हैं, तब आता है। ठीक, तो और आपके फेराड की 96500 पुट करके करते हैं, तो यहां पे मैंने वो नहीं किया, डेरिवेशन सीधा करके बता दिया आपको, तो अगर ये वैल्यू ऐसी नहीं लिखी हो तो ऐसा लिखा जाएगा, ये वाला केस बनेगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात है, तो यहां पे N2 हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा, अगर LN के फॉर्मेट में लिखना है तो, समझ आई कि नहीं आई, तो ऐसे होता है। ठीक, तो आपका आंसर चेक कर लो, ये आ जाएगा बी वाला आंसर, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में एक चीज और कर लो आप, अगर मान लीजिए यहां पे ये बोल दिया जाए प्रेशर दोनों में सेम है, अगर मान लीजिए जैसे ये फॉर्मूला बना था अपना, ये वाला, इसको दोबारा लिख देता हूं एक बार, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन टू लॉग पी वन सी टू का स्क्वायर अपॉन पी टू सी वन का स्क्वायर। ठीक है, अगर प्रेशर वन पी वन और पी टू सेम हो जाए तो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन टू लॉग सी टू अपॉन सी वन का, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों का कॉमन आ जाएगा कि पावर टू, और पावर टू आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा टू से, तो टू से टू कैंसिल, तो ये वैल्यू बन जाएगी टोटल सीधा, ये भी आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट, तो कुछ भी कर लो आपको ना, अब सीधा याद रखना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ ये याद रख लो बेशक, और याद भी क्यों रखना, जितना जल्दी जल्दी मैंने ड्राइव किया है वैसे कर दो। अब याद कब तक रखेंगे, याद रखने वाली हैबिट छोड़नी पड़ेगी, जितना जल्दी कैलकुलेशंस होंगी डेरिवेशन होंगे उतना ही फास्ट आप आगे बढ़ेंगे। देखो मेडिकल के स्टूडेंट्स को एम्स में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि वो थोड़ी सी चीजें चेंज कर देता है, और जब हमें डेरिवेशन नहीं पता होता है तो हम एम्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। सही में एम्स में ये मान लो आप 4-5 क्वेश्चंस तो 4-5-6-7 तक आते हैं आपके केमिस्ट्री के टफ, और 10-12 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के टफ, वो टफ ऐसे आते हैं मतलब अच्छे वाले टफ, IIT लेवल के टफ, और बायो जो आती है नीट से आसान आती है। तो अल्टीमेटली अगर 10-12 क्वेश्चन वो हटा दिए जाएं और 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हटा दिए जाएं, 20 क्वेश्चन हटा दो तो 200 में से 180 क्वेश्चन अपना बनता है। अब 180 क्वेश्चन में से आपको 110 प्लस 120 प्लस स्कोर करना है, इजीली कर सकते हो, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो जो 20 क्वेश्चन हैं उनके चक्कर में आप उलझे रहते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करें, तैयारी नीट की करती रहें, एम्स का एग्जाम देने जाएं और एम्स के टफ क्वेश्चंस को टच मत करो, नीट आपका एम्स अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो मैं ये कहूंगा आपको, अगर आप एम्स दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे पैटर्न मैं समझाता हूं आपको वैसा ही करें। सर इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम बहुत लगता है अगर किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का टाइम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, एग्जामिनर ने आपको ज्यादा दिया है, कहीं कहीं इजी क्वेश्चंस भी देता है, वो टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, उसकी टेंशन ना ले आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया और एम्स की बातें हो गई, अब 30th पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30